और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सैन्य भर्ती की अग्निपथ योजना पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र सरकार भारत में नाजी मूवमेंट लाना चाहती है, ऐसा एचडी कुमार स्वामी का कहना है। आरएसएस भारतीय सेना को अपने कब्जे में लेना चाहती है, ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें। और हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी देने के लिए। इमरान, कई जगहों पर अगर देखें विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कुमार स्वामी द्वारा जो ये बयान दिया गया है, निश्चित तौर पर बड़ा बयान है ये। जी बिल्कुल, काफी बड़ा बयान है पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी की तरफ से कि जो 10 लाख जो आरएसएस एक्टिविस्ट है उनको भारतीय सेना में भर्ती करने का ये प्लान है अग्निपथ। और वो कह रहे हैं कि आरएसएस चाहती है कि एक दूसरी सेना तैयार करे। उन्होंने कह रहे, उनका मानना है कि वो नाजी जमाने में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे लग रहा है कि आरएसएस अपनी खुद एक सेना बनाना चाह रही है। और जो 2.5 लाख जो वो लोग निकलेंगे उस अग्निवीर प्रोग्राम से, वो आरएसएस की सेना होगी। एक बड़ा बयान, विवादित बयान कुमार स्वामी की तरफ से आज दिया गया है। जी इमरान, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।